हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अनुराधा सिंह और आज मैं जा रही हूँ सलोन, क्योंकि सेल्फ पैम्परिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, मैंने शादी से पहले पैकेज लिया था जो कि मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाई, सो मुझे वो यूटिलाइज़ करना है वरना मेरे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। सो मैं आज जाऊँगी सलोन और मैं कराऊँगी माइक्रो नीडलिंग, जो कि मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था शादी से पहले। बट तीन सेशन लिया था मैंने, जिसमें दो सेशन मैं कंप्लीट कर पाई बट थर्ड वाला सेशन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। सो आज वो मैं जाऊंगी और फाइनली मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा माइक्रो नीडलिंग। और मैं आपको बेनिफिट्स भी बताऊंगी, क्या बेनिफिट्स होते हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ सलोन में, VLCC मैं जा रही हूँ, मैंने वहीं से पैकेज लिया था। सो मैं सलोन जाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी प्रोसेस, डेमो जो लाइव होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सो दैट आपको पता चले कि होता क्या है, ठीक है। अच्छा, एक और बात गाइस मैं आपको बताना चाह रही थी कि जब भी आप, अगर आपको भी कभी माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट कराना है या फिर आप इवन फेशियल भी कराने जाते हो, तो फेस पे कोई मेकअप नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो असर नहीं होता है, क्योंकि सलोन में इतने अच्छे से भी रिमूव नहीं हो पाता है मेकअप, क्योंकि आप सोचो डबल क्लींजिंग करना पड़ता है जब भी आप मेकअप अप्लाई करते हो। सो प्लीज़ गाइज, मेकअप अप्लाई ना करें फेस पे जब भी आप माइक्रो नीडलिंग या फेशियल या कुछ भी फेशियल रिलेटेड ट्रीटमेंट ले रहे हो। सो मैंने बस लिप कलर अप्लाई किया है, दैट्स इट, क्योंकि लिप्स पे ऑफकोर्स कुछ नहीं कराना है, बट फेस पे मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा ट्रीटमेंट उतना इफ़ेक्टिव ना हो मेरी मेकअप की वजह से, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। सो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा अगर आप मेकअप अप्लाई नहीं करोगे, तो मेकअप बिल्कुल भी ना अप्लाई करें। सो अब हम लोग आ गए गाड़ी में और हम जल्द ही पहुँचने वाले हैं सलोन और हम आपसे मिलते हैं सलोन में। क्लींजिंग होता है माइक्रो नीडलिंग से पहले, क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मैंने कोई मेकअप नहीं अप्लाई किया था घर से, मैं फेस वॉश करके गई थी, बट स्टिल क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। सो उन्होंने वेट वाइप से सबसे पहले फेस को क्लीन किया और तब भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो मैंने बोला कि एक बार और क्लीन कर दो, डबल क्लींजिंग कर दो, सो दैट जो माइक्रो नीडलिंग होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो क्रीम बेस्ड क्लींजर से उन्होंने दोबारा मेरे फेस को क्लीन करना स्टार्ट किया है और अच्छे से क्लीन होगा तो अच्छा वर्क करेगा, और मैं चाहती हूँ कि अच्छा वर्क हो ज़रा सा भी, क्योंकि मैं सनस्क्रीन लगा कर निकली थी घर से, सो सनस्क्रीन को हटाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो ये मेरा फेस क्लीन हो गया है और उसके बाद जो है वो नंबिंग क्रीम लगाते हैं। सो अब वेट वाइप से मेरे जो क्लींजर लगा हुआ है मेरे फेस पर वो हटा रहे हैं और इसके बाद मेरे फेस पर वो नंबिंग क्रीम अप्लाई करेंगे। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है नंबिंग क्रीम का। सो अब मेरे फेस पे नंबिंग क्रीम लगाया जा रहा है, जिससे कि जब माइक्रो नीडलिंग होगा तो थोड़ा इजी हो जाएगा, पेन नहीं होता है, बिल्कुल भी पेन नहीं होगा और प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाता है। इस वजह से नंबिंग क्रीम लगाते हैं, क्योंकि वो माइक्रो नीडलिंग को थोड़ा सा पिंच किया जाता है फेस पे, तो कुछ लोगों को हर्ट भी हो जाता है, बहुत लोग बिना नंबिंग क्रीम के भी करवा लेते हैं, लेकिन मुझे क्योंकि आदत नहीं है तो मैं बिना नंबिंग क्रीम के नहीं करवाती हूँ और मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया। सो फेस पर वो नंबिंग क्रीम लगा रहे हैं मेरे फेस पे अच्छे से, सो दैट मुझे ज़रा सा भी पता ना लगे प्रोसेस कि कोई भी पेन ना हो, मेन यही काम है, पेन ना हो फेस पे। सो ये नंबिंग क्रीम लगाया जा रहा है।
अब लास्ट स्टेप जो माइक्रो नीडलिंग था वो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि वो अलाउड नहीं था। सो जस्ट बाद आप मेरा फेस देख सकते हो माइक्रो नीडलिंग के, ये इस तरीके का दिख रहा है, थोड़ा सा रेडनेस है और थोड़ा सा वियर्ड भी दिख रहा है क्योंकि माइक्रो नीडलिंग के बाद 72 आवर्स तक फेस बहुत वियर्ड लगता है, बट इट्स ओके। जो रिज़ल्ट होता है आफ्टर 72 आवर्स बाद वो काफ़ी अमेजिंग होता है, सो आई डोंट माइंड। और माइक्रो नीडलिंग में क्या क्या हुआ और कैसे होता है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, सो नेक्स्ट एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। सो गाइज, मैं आ गई वापस अब सलोन से और देखो मैं आते हुए क्या लेकर आई हूँ। मुझे ये रास्ते में दिख गया कृष्ण भगवान, और कितने प्यारे से लग रहे हैं ना, देखो कितने प्यारे से हैं। सो ये मुझे, मैंने जब देखा मुझे बहुत पसंद आया, सो मैंने ये परचेज कर लिया। और कितने प्यारे से हैं भगवान, बहुत प्यारे से लग रहे हैं ना, प्यारे से लग रहे हैं ना कृष्ण भगवान। सो ये मैं लेकर आई। अच्छा, इसके बाद मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सॉरी गाइस कि मैं शूट नहीं कर पाई वहाँ पर, जो प्रोसेस हो रहा था फाइनल प्रोसेस, जो सेशन था माइक्रो नीडलिंग का, वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि अलाउड नहीं था, और ऑफ कोर्स अलाउड नहीं है तो कैसे मैं बना सकती थी। सो मैंने जो इनिशियल प्रोसेस है उसका ज़रूर लिया, लेकिन जो डॉक्टर करते वो वाला नहीं कर पाई, मैं नहीं ले पाई वीडियो में। और किससे करते हैं वो मैं कहीं पिक्चर में अटैच कर दूंगी किस टाइप का होता है। सो उसमें क्या होता है ना कि पेन टाइप का होता है जो कि आपके फेस पे पिंच किया जाता है। सो पिंच किया जाएगा, उससे क्या होता है आपकी स्किन को हर्ट करके आपके स्किन का जो कोलेजन है वो इंक्रीज होता है। बचपन में क्या होता था, जैसे हमें पैर में चोट लगाते थे, कहीं भी चोट लगाते थे, सो आप देखते थे कैसे हील कर देता था, वो क्या होता है उसमें माइंड को जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, माइंड को पता लगता है कि हाँ चोट लगा है तो वो अपना काम करना स्टार्ट करता है, तो वही वाली चीज़ होती है इसमें। सो जब हम 20s के बाद हर साल हमारा क्या होता है ना, कोलेजन लेवल जो होता है वो 1% करके कम होने लगता है, तो इससे आपके स्किन का कोलेजन इंक्रीज होता है, आपकी स्किन में अगर फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, सो वो भी ख़त्म होता है, आपकी स्किन यूथफुल लगती है, ग्लोइंग लगती है, ब्राइट लगती है, और बहुत सारे फायदे हैं ये कराने के। सो डर्मा पेन जो है वो आई थिंक मेरे लिए तो अच्छा ट्रीटमेंट है, और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा कराना है, बट क्योंकि ये ब्राइडल पैकेज में मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, सो मैंने कराया और ठीक था रिजल्ट। मैंने 3 सेशन लिया, और मैंने 2 सेशन शादी से पहले लिया था, 2019 में ही मैंने हालांकि लिया था, और मैं कंप्लीट नहीं कर पाई 3 सेशन, 2 मंथ बाद लेना होता है, मतलब 2 मंथ का गैप होना चाहिए, बट आप सोचो 2019 से अभी 2021 में मैंने कंप्लीट किया है 3 सेशन पूरा। सो अगर जिनको जैसे फेस पे जिनके बहुत ज़्यादा गड्ढे नहीं हो जाते हैं, जैसे एक्ने की वजह से गड्ढे से हो गए हैं या फिर चिकन पॉक्स की वजह से भी, सो उन लोगों को सजेस्ट किया जाता है बेसिकली ये माइक्रो नीडलिंग ट्रीटमेंट। उससे क्या होता है आपकी स्किन जो होती है वो स्मूथ करती है, मतलब एक रीसर्फेसिंग, मतलब एक लेयर पे लगती है, वो गड्ढे गड्ढे से नहीं लगते हैं। आपके जो जो पोर्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज्ड पोर्स होते हैं उसको भी ये रिड्यूस करता है, और इसके अलावा फाइन लाइंस तो मैंने बता ही दिया, फाइन लाइंस रिंकल्स वगैरह को कम करता है, आपकी एजिंग को स्लो डाउन करता है। सो ये सारे बेनिफिट्स हैं इसके, और इसका जो कॉस्ट होता है पर सेशन वो 4,000 to 6,000 वैरी करता है क्लिनिक टू क्लिनिक, आप कौन कहाँ करा रहे हो उसके अकॉर्डिंग वैरी करता है। सो 4,000 to 6,000 के अराउंड इसका कॉस्ट है, और आपकी स्किन अच्छी लगेगी। हालांकि मैंने 3 ही सेशन लिया है, और वो भी बहुत गैप में लिया है, लंबा गैप, मतलब लास्ट टाइम मैंने कराया था शादी, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गए, जो कि 2 मंथ्स बाद कराना चाहिए, बट इट्स ओके, मुझे टाइम भी नहीं मिला, और मैं थोड़ी लेजी भी हूँ इन मामलों में, सलोन जाने के मामले में काफ़ी लेजी हूँ, मुझे बस घर पे कर दो यार, मतलब कुछ भी चीज़ घर पे मैं कर सकती हूँ, मैं खुद ही, मतलब सलोन घर पे ही मैंने अपना बना रखा है, जो भी करना होता है मैं हमेशा खुद ही अपना अपनी चीज़ें करती हूँ, मैं सलोन एंड ऑल कम जाती हूँ, मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लगता है, इतना पेशेंस नहीं होता कि बैठो, बट फाइनली मैं खुश हूँ कि मैंने अपना जो
पैकेज था वो कंप्लीट कर लिया और मैंने अपने पैसे वेस्ट नहीं होने दिए। लास्ट टाइम भी मैंने एक जगह पैकेज लिया था और वो कंप्लीटली वेस्ट हो गया था, मेरे पैसे पूरे के पूरे वेस्ट हो गए थे। सो बहुत दुख हुआ था, बट मैंने इस बार कंप्लीट कर लिया है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। सो आप अभी आप वैसे मेरी स्किन देख सकते हो, आपको ग्लोइंग सी लग रही होगी। अच्छा हाँ, जब उन्होंने जैसे पेन डर्मा पेन से वो पिंच करते हैं आपके फेस पे पूरे, और 3-4 मिनट में हो जाता है। जो नंबिंग क्रीम लगता है वो 25-30 मिनट्स तक वो लगा कर रखते हैं, बट जो मेन प्रोसेस होता है वो 3-4 मिनट में हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद वो सीरम अप्लाई करते हैं आपके फेस पे, कुछ सीरम लगाते हैं एंड उसके बाद कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट फेस पे लगाने को मना किया जाता है, लाइक रेटिनॉल, AHA, BHA, विटामिन सी और इवन हाइलुरोनिक एसिड। सो ये भी नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं लगाना है, आपको सिंपली फेस वॉश करना है। फेस वॉश करके आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। मॉइस्चराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्किन काफी ड्राई सी लगती है, टाइट सी लगने लगती है। सो मॉइस्चराइज करना है एंड देन सनस्क्रीन मस्ट है गाइस। सनस्क्रीन तो डॉक्टर ने बोला है 3 टाइम आपको मतलब लगाना है, रीअप्लाई करते जाना है आफ्टर 3 आवर्स, मतलब रीअप्लाई करना है। सो ये जो क्लींजर है, मॉइस्चराइजर है एंड देन सनस्क्रीन है वो 72 आवर्स तक फॉलो करना है और उससे स्किन आपकी मतलब आपको बेनिफिट ज्यादा होंगे अगर आप सारा कुछ फॉलो करोगे, क्योंकि ऑफकोर्स इतने पैसे लगते हैं तो गाइज आप चाहोगे ना थोड़ा सा सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर लगाने में क्या जा रहा है, मतलब क्यों पैसे वेस्ट करना। सो मैं ऑफकोर्स आगे वाला जो है जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है वो मैं जरूर करूंगी। उसके बाद आप की स्किन ग्लोइंग लगेगी। आपकी मर्जी है, अगर आपको कभी कराना हो तो आप करा सकते हो। मेरा काम था आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना, सो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बेसिकली ये क्या करता है। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग माइक्रो नीडलिंग एंड पील, और मैं इसका एक और वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करूंगी, पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाऊंगी मैं पील का भी, अगर आपको जानना हो तो। सो आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स और जो भी मेरे ऑडियंस है सबको मैं रिप्लाई करूँ। और बाय चांस मैंने कभी नहीं देखा हो आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो, वहाँ मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। सो अगर आपको कोई डाउट्स है आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो है मैं वो डाल दूंगी, आप वहाँ पर भी पूछ सकते हो, मुझे फॉलो कर सकते हो। और फिर से मिलती हूँ गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइज कर दीजिए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो फिर से मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।